Every child has a story to tell. Welcome to Ved Vedang Sanskrit Patshala, a beautiful place in Nepal, a safe haven to hundreds of destitute children across the region. Yes, this is the place where these little children have found solace which they were deprived of since their birth. This is the place where they get the love, care and protection they truly deserve at their age. Here, our accomplishments have been feeding the little mouths from our organic farms, making opportunities for them to acquire basic education, and giving them medical care and attention when they require the most. One of our endeavors have been to conserve the rich heritage of Hinduism by promoting Sanskrit language, which is gradually losing its identity. ये आश्रम 1976 सन 2033 साल से अनवरत रूप में संचालित है. इस गुरुकुल में करीब आज 150 के बराबर विद्यार्थी अध्ययन करते हैं. ये ऐतिहासिक भूमि है. इस भूमि में पांडवों ने तपस्या की थी. जिस समी वृक्ष के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं, ये समी वृक्ष पांडवकालीन ऐतिहासिक समी वृक्ष है. ये करीब 5000 साल से पहले यहाँ पर पांडवों ने इस साधुटार नामक इस पुण्य भूमि में तपस्या किए थे. इस पुण्य भूमि में तपस्या करने का मतलब, यहाँ पर अनादिकाल से साधु संत बैरागी तपस्वी लोग तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, कराते थे. उस टाइम पर पांडव लोग जब यहाँ आए, उनका 14 साल का वनवास पूरा होने के बाद गुप्तवास का समय था. गुप्तवास के टाइम पर वो पांडवों ने यहाँ पर ऋषि मुनियों के साथ में सत्संग करके नज़दीक में जो प्राकृतिक शक्तिपीठ है सिद्धेश्वरी माँ का, उस शक्तिपीठ में बैठ करके तपस्या किया. वहाँ पर एक पांडव ताल है, वो ताल में स्नान करके वो लोग जब तपस्या करने लगे, देवी माँ ने वरदान दी कि इस जगह में तुम लोग ने तपस्या किया है, ये प्रसिद्ध स्थान रहेगा और इस जगह में भविष्य में बहुत बड़े बड़े साधु संत लोग का समागम होगा, ये तीर्थस्थल बनेगा बोल करके माँ ने भविष्यवाणी की थी. इसी स्थल पर आज 41 साल पहले से अनवरत रूप में गुरुकुल संचालित है. वेद वेदांग संस्कृत पाठशाला नामक इस गुरुकुल में 2054 साल में उत्तरांचल बद्रीपीठाधीश्वर जगतगुरु अनंत श्री विभूषित माधवाश्रम जी महाराज का पादार्पण हुआ था. इस एक भारी बहुत बड़ा महायज्ञ हुआ था. महायज्ञ के समुद्घाटन के अवसर पर स्वामी जी ने इस पीठ को शंकराचार्य पीठ घोषित किया. उसके पहले भी इस पीठ का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार था. उसके बाद और भी प्रचार प्रसार होने लगा. यहाँ पर गरीब विद्यार्थी लोग आकर पढ़ते हैं, जो कि किनके यहाँ धन नहीं है, धनराशि नहीं है, पढ़ने की पढ़ाने की अवस्था नहीं है, जो गरीब है, जमींदार है, किसी के माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, होते हुए भी आर्थिक विहीनता के कारण, दरिद्रता के कारण से पढ़ने पढ़ाने में जिनको बहुत कठिनाइयाँ हैं, वो वैसे विद्यार्थी लोग यहाँ पर गुरुकुल में पढ़ने के लिए आते हैं. ऐसे तो नेपाल देश के अंदर से मेची महाकाली से आते हैं, और बाहर से भी मणिपुर, आसाम, भूटान, भारत से भी यहाँ पर विद्यार्थी लोग पढ़ने के लिए आते हैं. और यहाँ पर गुरुकुल में विद्यार्थी लोगों को गुरु लोग पढ़ाते हैं. वेद, व्याकरण, ज्योतिष, कर्मकांड सारे शिक्षा यहाँ पर प्रदान किया करते हैं. इस जमाने में ऐसा है, अभी तो कर्मकांड किसी के यहाँ कुछ कराना है, स्वस्थ शांति कराना है, वेद पाठ कराना है, साथ कोई कर्मकांड कराना है, उसके लिए पंडितों का अभाव होने जा रहा है. क्योंकि
जितने भी पंडित जी लोग हैं उनके सब सारे संतति तो बोर्डिंग में स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ऐसे गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए कोई आते ही नहीं। इसलिए जो बुढ़ापे होने लगे हैं वो गुरु पंडित लोग, उनके बाद में कर्मकांड कराने का कोई पंडित अगर हम लोग न जन्माए, उनका कोई सुकुछ शिक्षा दीक्षा न दे तो, विद्यार्थी लोगों को न पढ़ाए तो ये हमारा कर्मकांड संस्कार संस्कृति सब विलीन होता जा रहा है। इसलिए कर्मकांड को संरक्षण के लिए, धर्म संस्कृति संस्कार को बचाने के लिए इस गुरुकुल का स्थापना किया है। पूज्य पंडित जी श्री केदारनाथ खतियोड़ा जी ने 41 साल पहले दूरदर्शी विचार से इस गुरुकुल का संस्थापन किए थे। आज तक इस गुरुकुल का अनवरत रूप में संचालन होता जा रहा है, लेकिन आने जाने का रास्ता थोड़ा सा दुर्गम होने के कारण से लक्ष्मी के वरद संतान, माँ लक्ष्मी के वरद संतान यहाँ पर बहुत कम आते हैं। इसलिए विद्यार्थी लोग को खिलाने पिलाने में, पढ़ाने में, इनको सुविधाजनक ढंग से रखने में, इनको खान पान व्यवस्थापन करने में बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग को, तो भी प्रयत्न करके जिस तरह से भी जिस ढंग से भी सुख दुख से हम लोग यहाँ पर विद्यार्थी लोग को पढ़ाते हैं। हर साल करीब 150 से ज़्यादा विद्यार्थी लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो दयनीय अवस्था में है, वो विद्यार्थी लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। उनको खान पान समुचित व्यवस्थापन करना हम लोग की जिम्मेदारी है। इसलिए इस गुरुकुल को उन्नति प्रगति आगे बढ़ाने के लिए सारे आप लोग हैं, हम लोग आप लोग सभी लोग से कामना करते हैं, भक्तों से कामना करते हैं, ज्ञानी जनों से, मोक्ष जनों से और अध्यानी से और धनाढ्य परिवारों से हम सभी से प्रार्थना करते हैं। इस गुरुकुल के उन्नयन के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप लोग आइए, इसके लिए कुछ सहयोग कीजिए और गुरुकुल संचालन से आपका भी रक्षा संरक्षण होगा, आपकी संस्कृति हमारी धर्म संस्कृति का संरक्षण के साथ में हमारे विद्वान लोग यहाँ पर विद्यार्थी लोग बनेंगे और सारे जगत में विश्व शांति की कामना करते हुए वैदिक सनातन धर्म की ध्वजा फहराएंगे और सारे जगह जगह में जा करके धर्म संस्कृति के संवाहक बनेंगे, हम ये कामना करते हैं। बट दिस इज नॉट इनफ एंड देयर इज स्टिल मच टू बी डन। Our aim here is supporting these children in need, supporting them for education and their basic nutrition. With a little effort from your side, we would overcome these obstacles and make a huge difference to their lives. You can extend your support by committing a small fraction of your income, making their lives more meaningful.